नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विकर बास्केट किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों, और विकर बास्केट जो है किचन में लगाया जाता है दोस्तों, और क्यों लगाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिखा देते हैं, ये हमारा मॉड्यूलर किचन है दोस्तों, हम इसमें ही लगा रहे हैं। और बहुत दिनों जो दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मॉड्यूलर फिटिंग का दरवाज़ा यानी कि किचन मॉड्यूलर किचन का दरवाज़ा जो कंपनी से किस प्रकार से बनवाते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे देते थे, तो उसका वीडियो ना मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि उसका वीडियो मैं बताता हूं लेकिन देता नहीं हूं, तो बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर का जो दरवाजा है वो हम लोग लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं सब तरफ इधर उधर सब कुछ। तो ये वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विकर बास्केट कैसे लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे इस डब्बे में विकर बास्केट है, यहां पर जो है साइज लिखा हुआ है, ये देखिए। ये दोस्तों हरी सब्जी या फिर आलू प्याज जो भी आप आइटम रखना चाहते हैं उस प्रकार से रखने के लिए रहता है। तो इसका जो साइज़ है दोस्तों ये 450 mm बता रहा है, यानी कट रेंच। उसके बाद ये 8 इंच इसका हाइट है। तो इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि ये लगाते कैसे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर लगाने वाले हैं, एक सिंगल पीस लगेगा। तो ये देखिए इसको ओपन कर लेते हैं और अब देखेंगे। तो ये टोटली लकड़ी का ही रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसका चैनल बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये साइड का इसमें ग्रूविंग रहता है। और ये जब आप होल्स देख रहे हैं इसमें स्क्रू मारेंगे तो भी हम आपको बताएंगे कि इसको फिक्स कैसे करते हैं और इसके लिए आपको साइज़ कितना रखना पड़ता है। तो ये है, उसके बाद ये अपना जो है दोस्तों, ये अपना देखिए विकर बास्केट कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर अगर आपको दिखाएँ दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे ये एक छोटा सा नॉब दिया रहता है स्प्रिंग टाइप, इसी से जो है पीछे जाके इसमें फंस जाता है तो ये बाहर नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो ग्रु दिया हुआ है आपको नज़दीक से दिखाएं, ये जो ग्रु है इसी में जाके ये फंस जाता है और इसी से निकलता नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि विकर बास्केट किस प्रकार से लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि विकर बास्केट किस प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है मेजरमेंट इसका बता दिए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग नीचे अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक, ये देखिए दोस्तों, एक बास्केट दे दिए हैं जिसका जो साइज़ है दोस्तों अंदर अंदर 18 इंच है, लेकिन अपना जो विकर बास्केट का साइज़ है दोस्तों वो 18 इंच नहीं है। वो हम आपको दिखा देते हैं ये कितना साइज़ है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो यहाँ पे मेजरमेंट लिखा है ना दोस्तों, ये 450, तो ये 450 जगह रहना चाहिए आपको चलने के लिए। ये बता रहा है कि उतना जगह विकर बास्केट के लिए आपको चलाने के लिए जगह रहना चाहिए। और ये थोड़ा सा छोटा ही आता है ताकि ज़्यादा टाइट ना हो, तो आप पट्टी जो है इस तरफ उस तरफ लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसका जो अगर आपको साइज़ कभी भी चेक करना है, और अगर इसी वीडियो में आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कितना जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसका साइज़ अगर आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 410 बता रहा है। तो इसको जो है अगर 5 mm 10 mm लूज़ करेंगे तो 420 या फिर 415 mm अगर अंदर जगह छोड़ देते हैं तो विकर बास्केट जो है आप आराम से लगा सकते हैं। तो इसका ना जो हम लोग पट्टी यहाँ पे फिक्स कर दिए, देखेंगे दोस्तों जितना भी हम लोगों को पैकिंग लग रहा था, यहाँ से 1.25 इंच लगा दी, यहाँ से 1.25 इंच, तो ये 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच छोटा बता रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं। ऊपर से जो हम लोग यहाँ पर 3 इंच जगह छोड़ दिए हैं, उसके बाद जो है दोस्तों इसका 8 इंच हाइट है, तो यहाँ पर आएगा। और हम लोगों के यहाँ पर जो मत्था लगाएंगे तो ये डिवाइडेड यानी कि सेंटर पर आ जाएगा, तो ऊपर ओपन रहेगा, नीचे जो है अपना ये हम लोग जो बास्केट लगाएं वो लगा देंगे। अब चलिए दोस्तों इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए ना आप जो स्क्रू मारते हैं उसका जो मत्था है थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए और इसके अंदर जो है ना आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि जब इसमें जो पिंस लगाए आप स्लाइडिंग करेंगे तो रुक जाएगा, तो बराबर से आएगा ना, इसलिए छोटा मत्था वाला आप स्क्रू यूज कीजिए। अब इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों। और इसमें फिक्स करने के लिए इस तरफ से जो खांचा आके सामने की तरफ ख़त्म हो जाता है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको जो है हम यहाँ से लेवल इस तरफ पकड़ेंगे और इसमें जो है स्क्रू टाइट कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे हम एक स्क्रू मार दिए, पीछे भी एक स्क्रू मार देते हैं। तो
तो फ्रेंड हम लोगों ने यहाँ पे दो स्क्रू पहले मार के चेक कर लेना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो इस तरफ का लगा दिए। अब दोस्तों इस तरफ का भी आपको लगा के दिखाते हैं, इसको लगाने के बाद आपको दिखाते हैं चला के। एक स्क्रू हम लोग सामने की तरफ से मार दिए हैं और पीछे भी मार देते हैं। तो अब इसका जो चैनल हम लोगों को लगाना था इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हम लोग लगा चुके। अब देखिए दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं। तो इसका जो यहाँ पे देखेंगे एक जो है स्प्रिंग टाइप ये कुछ दिया है, इसको जो है अंदर की तरफ खींच के इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद ये देखिए बहुत ही इसको आसान है लगाना। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं, देखिए ये हम इसमें डाल दिए। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही आराम से फिक्स हो गया। और ये जो पैकिंग दिए हैं, अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा लूज है तो इसको क्या कीजिए, खोल के जो भी आपका लेमिनेट लगता है या फिर 6 mm प्लाईवुड लगता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं इसको जो हम आराम से फिक्स कर दिए, और ये यहाँ पे भी रख सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं। अंदर से जो अगर इसको स्टॉप करना है तो हम एक पीस अभी लगा देंगे, तो जो है इससे ज़्यादा वो अंदर नहीं जाएगा, यहीं पर आके स्टॉप हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आराम से इसको लगा दिए। अब इसको निकालने का भी तरीका आपको बता देते हैं। ये जो दोनों आपका एक स्विच दिया इसको हम निकालेंगे बाहर, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों इसको निकाल लिए, अब इसको फिर से हम आपको लगा के दिखा देते हैं। तो लगाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा देंगे तो लग जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया कि किचन में विकर बास्केट किस प्रकार से लगाते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं किचन में अभी बहुत सारा हम लोगों को काम करना है। यहाँ पर पूरा बहुत सारा टेंडम बॉक्सेस लगा है, इसका मत्था लगाना है, और यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर बास्केट लगा है दोस्तों। इसका जो सामने का मोड़ी कैसे फिक्स करते हैं यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।